नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। टाइम बच्चों नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण जो है क्लास आपको नहीं दे पाए। अभी कुछ समय बाद यानी 2 घंटे बाद आपका एग्जाम होगा, लेकिन फिर भी हमने सोचा प्यारे बच्चों कि जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दे दिए जाएँ जो आपके एग्जाम में आपको फायदा करें। तो प्यारे बच्चों पूरा वीडियो वॉच करना, स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको कराने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। थोड़ी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो रहेगी 10 मिनट के लगभग। इसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए, इन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई बात करिए प्यारे बच्चों, जो जेनेटिक्स है ये शब्द किसने दिया? ये काफी पॉपुलर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया। तो प्यारे बच्चों बेटसन, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, इसका आंसर क्या होगा? वेटसन राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमसे पूछा जाए कि जेनेटिक्स के पिता कौन है बच्चों, अगर हमसे पूछा जाए कि जेनेटिक्स के पिता कौन है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि जेनेटिक्स के पिता कौन है, ठीक है ना, जेनेटिक्स के पिता कौन है बच्चों, तो कौन है? मेंडल। जेनेटिक्स पिता कौन है बच्चों? मेंडल है, जो जेनेटिक्स के पिता होता है, ठीक है ना, मेंडल। जेनेटिक्स होता क्या प्यारे बच्चों? तो अनुवांशिकता और भिन्नता का विज्ञान क्या है? जेनेटिक्स अनुवांशिकता एवं क्या है बच्चों? भिन्नता का विज्ञान है। अनुवांशिकता एवं भिन्नता का विज्ञान है क्या? जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अनुवांशिकता एवं भिन्नता का विज्ञान बच्चों क्या है? जेनेटिक्स। गुणसूत्र की बात करी जाए, गुणसूत्र शब्द किसने दिया बच्चों? शब्द और गुणसूत्र की खोज किसने करी? दो बातें यहाँ पे आपके सामने हैं। तो गुणसूत्र शब्द दिया था बच्चों किसने? बाल्डेयर ने, एक वैज्ञानिक हुए बाल्डेयर, इन्होंने गुणसूत्र का शब्द दिया, क्रोमोजोम टर्म दिया। और डिस्कवर किसने किया यानी खोज किसने करी? वो करी थी बच्चों स्ट्रासबर्गर ने, वो करी थी स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है ना, स्ट्रासबर्गर ने। तो ये पॉइंट कुछ है, इन्हें आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, मेंडल का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था, और 1884 में बच्चों इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी जो मेंडल है इनकी मृत्यु हुई थी कब? 1884 में। इन्हीं को बोलते हैं अनुवांशिकी के पिता, भी इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर करे थे? मटर। और उस मटर का प्यारे बच्चों वैज्ञानिक नाम क्या था? फाइसम सेटाइबम बैराटी हॉर्टेंस। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा था वो गार्डन पी पे किया था। किस पे करा था? गार्डन पी पर किया था, ठीक है ना। इसके लिए कुल 7 लक्षण इन्होंने चुने थे। कुल कितने लक्षण बच्चों चुने थे? 7, ठीक है ना। अब मटर ही क्यों चुना? क्योंकि मटर में प्यारे बच्चों क्या है? स्वपरागण होता है, मटर में स्वपरागण होता, इसलिए इसे चुना गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन की खोज बच्चों किसने करी? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, म्यूटेशन की खोज किसने करी? ह्यूगो डी ब्रिज, एक साइंटिस्ट हुए ह्यूगो डी ब्रिज, जिन्होंने किसकी खोज करी बच्चों? म्यूटेशन की खोज करी थी। तो म्यूटेशन की खोज किसने करी थी? ह्यूगो डी ब्रिज ने करी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एलील क्या होता है प्यारे बच्चों? तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, यानी जीन के एक दूसरे रूप को बच्चों क्या बोलते हैं? एलील। जो हमारा जीन है, जीन के एक दूसरे रूप को, मतलब जीन जिन जिन रूपों में पाया जाता है, जीन के कई रूप होते हैं बच्चे ना, अनेक रूप होते हैं, तो जीन के एक दूसरे रूप को ही क्या बोलते हैं? एलील। जीन के एक दूसरे रूप को ही एलील कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील। मेंडल ने कुल कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, यानी मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पे किया था, है ना, तो कुल लक्षण कितने लिए थे? तो प्यारे बच्चों जैसे बीज का साइज क्या है ना, बीज जो फ्लावर उसका रंग क्या है, पौधे की लंबाई क्या, ये सारे 7 लक्षण इन्होंने लिए थे। तो कुल लक्षण कितने थे बच्चों? 7 थे, सीधा एग्जाम में आ सकता है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, दो क्वेश्चन यहां पे देख लो आप, क्रॉसिंग ओवर जो है ये किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है बच्चों? पैचिटिन में होता है। किस में होता? पैचिटिन में जो है क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है।
आपसे पूछा है कि अनुवांशिक रोग कौन कौन से रोग हैं, ऐसे रोग जो पिता से जो है बच्चों में जाते हैं, पत्र पैतृक से यानी पेरेंट्स से उनकी संतान में जो रोग ट्रांसफर हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं अनुवांशिक यानी जेनेटिक डिजीज, वो कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चे जैसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का ही नहीं जमता, पूरा रक्त बहता रहता है, तो हीमोफीलिया है। बड़रांधता है जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, है ना। तो ये दो बीमारियां जो हैं ये कैसी बच्चों हैं, अनुवांशिक रोग हैं। एक आध और बीमारियां होती हैं, फिलहाल में ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद बच्चों बात की जाए शैलेंता की खोज किसने करी थी, शैलेंता की खोज तो खोज करी थी टीएच मार्गन ने, एक वैज्ञानिक है टीएच मार्गन साहब। इन्होंने क्या करा बच्चों, शैलेंता मीन्स लिंकेज की खोज करी। इसी को मेरे भाई क्या बोलते हैं, लिंकेज भी इसे बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लिंकेज। प्यारे बच्चों बात करी जाए जो शैलेंता है इसकी दो मुख्य अवस्थाएं होती हैं, एक होती कपलिंग फेज यानी कपलिंग और रिपल्सन, देयर आर टू फेज ऑफ लिंकेज। तो कपलिंग और रिपल्सन दो अवस्थाएं होती हैं किसकी मेरे भाई, लिंकेज की। खोज किसने करी, टीएच मॉर्गन साहब ने करी थी, ठीक है ना। और लिंकेज होता क्या है, वंशागत के समय दो या दो से अधिक जीनों की एक साथ रहने की जो हैबिट होती है इसे ही क्या बोलते हैं, लिंकेज यानी सहलग्नता। सहलग्नता का मतलब सह में साथ साथ में, कोई दो जीव आपस में जब रहते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं लिंकेज। तो आप समझ गए होंगे लिंकेज क्या है। इसके बाद बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की बात करें, देख लीजिएगा जब F1 PD का क्रॉस, हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे कोई दो पेरेंट हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी। अब F1 PD में क्या होगा, एक ये यहाँ से आएगा बच्चों, एक भी यहाँ से आएगा, तो जो ये पीढ़ी प्राप्त हुई कौन सी पीढ़ी है, F1 PD। समझना बात को। मान लीजिएगा थोड़ी देर में जैसे यहाँ पे पेरेंट्स हम जो है स्मॉल में ले लें, स्मॉल में पेरेंट ले लेते एक को, जैसे यहाँ पे है स्मॉल बी, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल ए आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल बी। यानी जो F1 PD प्राप्त हुई ये प्रभावी पैतृक है हमारा, कैसा, ये प्रभावी, और ये है हमारा अप्रभावी, ये है अप्रभावी। तो जब F1 PD का क्रॉस अप्रभावी पैतृक के साथ में कराया जाता तो बच्चों से क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। यानी जब F1 PD का क्रॉस अप्रभावी पैतृक के साथ में कराया जाता उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं मेरे भाई टेस्ट क्रॉस। अब बैक क्रॉस क्या होता है सर, अब बैक क्रॉस में क्या होता है मेरे भाई, बैक क्रॉस में क्या होता है, कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी प्राप्त हो गई F1 PD, यहां से आ गया कैपिटल ए, यहां से आ गया स्मॉल बी। जब F1 PD का क्रॉस किसी भी पैतृक के साथ में कराया जाता है, क्या समझे, जब F1 PD का क्रॉस किसी भी पैतृक के साथ में कराया जाता है उस कंडीशन को मेरे भाई क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बैक क्रॉस। समझिए कि नहीं, टेस्ट क्रॉस में इतना ही अंतर है कि टेस्ट क्रॉस में केवल अप्रभावी पैतृक के साथ में क्रॉस कराया जाता है और बैक क्रॉस में दोनों के साथ में कराया जाता है, ठीक है ना। क्लियर माय पॉइंट, जरूर क्लियर हुआ आपका हुआ होगा। एक क्वेश्चन बच्चों हम लोग और देख लेते हैं, जैसे अगर पूछा जाए, जो तरबूज है बच्चों, क्या जो तरबूज है खाने वाला तरबूज ये कैसा है, तो आपको बस यही बताना ट्रिप्लॉयड है। ये कैसा है, ट्रिप्लॉयड मतलब त्रिगुणित है। कैसा है बच्चों, ट्रिप्लॉयड यानी त्रिगुणित है, ठीक है ना। ये वाली बात भी आपको बढ़िया से आनी चाहिए। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे क्योंकि हम टाइम नहीं है, तो थोड़ा शॉर्ट ही वीडियो लेके आए थे, लेकिन फिर भी आपकी परीक्षा में दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएंगे, इसलिए आप पढ़ के जाना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।